रायबरेली में शासन के निर्देश पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान 295 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने इस मौके पर परिणय सूत्र में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद दिया और इस दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सातवा ब्लॉक के गन्ना काटा मैदान में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जहां वर वधु को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक सामग्रियां दी गई, वहीं शासन द्वारा निर्धारित धन भी उनके खातों में ट्रांसफर किया गया। आज सभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे जनपद में 295 जोड़ों की शादी समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में कराई गई है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था कराते हुए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रत्येक जोड़े को जो पर जो खर्च होता है 35,000 रुपये उनके खाते में जाना होता है। 6,000 प्रत्येक जोड़े पर आयोजन का खर्च होता है और साथ ही साथ 10,000 का सामान भी प्रत्येक जोड़े को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए हमेशा प्रत्येक वर्ष से ये आयोजन किया जा रहा है, जो आज इस काटा मैदान में आयोजित किया गया है। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती जी का ये क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग 300 जोड़ों ने आज एक दूसरे को स्वीकार किया है।